है, ये मेरे को लेके आ गए थे रक्षाबंधन वाले दिन के अगले दिन। ठीक है, मैंने इनसे कहा मेरे घर पे बहुत सारे बांधने वाले आते हैं, मतलब मायके हुए, वहाँ पे मैं लड्डू खाती होती और यहाँ पे लड्डू के लिए तरस रही भैया। तो पापा जी लेकर आए हैं लड्डू, सस्ते वाले लड्डू लेकर आए, देखते कौन से वाले लड्डू। खुशी के आंसू निकल गए इनके, ये देख रहे ये बहुत महंगे वाले हैं, ये क्या बात कर रहे हो तुम, 360 है, 380। आज हमारे फूफा जी आए हैं जो कि पहली बार दिखेंगे, क्योंकि ये हमारे घर कब आते हैं, जब इनको कुटरा में तेल पिरवाना होता है या हरदी पिसवानी होती है तभी आते हैं, वैसे नहीं आते हैं ये। चुपके से आज इनकी सच्चाई पता चल गई फूफा की। और बनी तो सब कुछ में पड़ रही है, ठीक है, आलू तब भी बरी, बैगन तब भी बरी, तुरैया तब भी बरी, गोहड़ा तब भी बरी, पीला भात खाओ उसमें भी बरी। सब्जी नहीं होती है ना तो समझ लो थोड़ी सी भिंडी है, थोड़ी सी लोबिया है, थोड़ी सी तुरैया है, थोड़े से आलू है, सब मिक्स करके समझ लो 4-5 सब्जी मिक्स खाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मलका राणा, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। तो आप सोच रहे होंगे इतनी देर देर में वीडियो क्यों पड़ते, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूं, मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं समझ में नहीं आता मेरे को। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूं एक लट, वो भी इतना तगड़ा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ठीक है, वो भी पता नहीं समीर दीपांशु ने किसने बनाया है उस लट को, देखने के लिए तैयार है? ये देखिए रंग बिरंगा, ये पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, ए भी मतलब अलका हो गया, और विनीस, और यहाँ पे समीर, फिर वहाँ पे आरती विनोद, आरती विनोद मतलब मेरे जेठ जेठानी है, रवि, छाया, ये हमारे जीजा जी और दीदी का नाम है। भैया देख रहे हो, पसंद आया, देखिए कितना सुंदर बना रखा है ये, पीके, एसएस, समीर, एसएमजी, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है इसमें, बहुत भारी है रे बाबा ये। यहाँ पे रखा हुआ था, मैंने झाड़ू लगाया तो देखा, पर मेरे को पसंद आया ये। आज हमारे फूफा जी आए हैं जो कि पहली बार दिखेंगे हमारे बिचे वाले फूफा जी, क्योंकि ये हमारे घर कब आते हैं, जब इनको कुटरा में तेल पिरवाना होता है या हरदी पिसवानी होती है तभी आते हैं, वैसे नहीं आते हैं ये। चुपके से आज इनकी सच्चाई पता चल गई फूफा की, तेल पिराते पिराते यहाँ आते हैं। लेकिन अब बुआ को पता चल जाएगा, आज बुआ को पता चल जाएगा सच्ची चोरी पकड़ जाएगी कि मैं उतर आता हूँ, जरा मम्मी के लिए बताओ पपैया दे रहा हूँ घर ले गई हो तो कह रहा हूँ जो की चीज भय ले जाओ मना ले जाओ मैं चोरी पकड़ी जाएगी सब बनवा गौ रहा है। अब नारायण के दिया इतना घास हीरो है, कौन लाए और कौन हीरो है, कौन लड़ाई ना पाए। अरे बहनों तो नहीं जाओगे। तो शाम का वक्त हो गया है, ये मेरे को लेके आ गए थे रक्षाबंधन वाले दिन के अगले दिन। ठीक है, मैंने इनसे कहा मेरे घर पे बहुत सारे बांधने वाले आते हैं, मतलब मायके हुए, वहाँ पे मैं लड्डू खाती होती और यहाँ पे लड्डू के लिए तरस गई भैया। तो पापा जी लेकर आए हैं लड्डू, सस्ते वाले लड्डू लेकर आए, देखते कौन से वाले लड्डू। ये बहुत महंगे वाले हैं, ये क्या बात कर रहे हो तुम, 360 है, 380 380 खा के देखो पहले, हाँ 380 खा के देखो,
कहाँ की बात कर रहे हैं? चंपावत की बाल मिठाई लड्डू मंगाया था कि मैं घर में होती तो रक्षाबंधन के 10 दिन तक लड्डू खाती, तो पापा आज लेके आए 32। तो इतनी खुशी खुश हो रही है, ये देखिए खुशी के आंसू निकल गए इनके, ये देख रहे हैं। सोच रही है कि 32 साल आई 32 दांत आए, ये देखिए मुंह से खाए नाक से निकले फिर तो भैया मम्मी जी पता नहीं कहाँ से तोता पकड़ के ले आई हूँ, ये देखिए। और मम्मी से मैं कह रही हूँ कि ये जहाँ कटिया करने के लिए गई और ये मैं छोड़ दूंगी। बताओ ये मिट्टू को पाल रही है ये। हेलो, नाम क्या रखा है इस पट्टू का? ये जो पट्टू रखा हुआ है माई, तो अच्छा माई को पट्टू है तो उनके घर कितने पट्टू ही रहा है? तुम्हारे पूरा पत्ता दे दो दीदी आपको चाहिए। ये देखिए, वो मेरी रंग बिरंगी बिंदी थी, लाल हरी पेरी काली जैसी भी थी, ये पत्ता लेके चली गई मेरा, ठीक है। अब ये मैंने रेड वाली लगाई है, ये रेड वाली मेरी कौन सी बिंदी लगाई है बताओ? और मैं बोली कि मैं कितने शेर आ दिया, मैं बोली कि कुत्ता आ गया। कुत्ता आया या फिर शेर आया? हाँ, और कुत्ता को बता रही थी ये शेरा, शेरा मतलब वो गुलदार। कहाँ गई? मुंह तो गई मैं क्या? मैं मुंह में दिखा, मुंह में दिखा। कहाँ आ गई? इतने पे इतने पे क्यों चली? चलो भैया, खाना पीना हमने बना लिया और मैंने कम सब्जी ली है और डाल ले। देखो मेरी दिनचर्या चल रही है, सुबह रोटी बनाओ, रोटी बनाकर फिर दोपहर में ये आ जाते हैं, फिर खाना खिलाओ, खाना खिलाने के बाद फिर शाम को फिर खाना बनाओ। मेरी दिनचर्या यही चल रही है, मैं सोची क्या बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो भैया लो भैया खा लो, ये तुरैया की सब्जी है और इसमें बरी, और बरी तो सब कुछ में पड़ रही है, ठीक है। आलू तब भी बरी, बैगन तब भी बरी, तुरैया तब भी बरी, गोहड़ा तब भी बरी, और जितनी भी सब्जी होती है सब में बरी 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 नहीं होती है कभी बरी नहीं होती, लेकिन बरी है तो सब में बरी। पीला भात खाओ उसमें भी बरी, सब में बरी। यहाँ पर आइए, ये देखिए, मैं भी खाऊंगी खाना, तो थाली लेके आओ। लो आ जाओ भैया तुरैया बरी खाने के लिए, तुरैया आलू बरी मिक्स। और सब्जी नहीं होती है ना तो समझ लो थोड़ी सी भिंडी है, थोड़ी सी लोबिया है, थोड़ी सी तुरैया है, थोड़े से आलू है, सब मिक्स करके समझ लो 4-5 सब्जी मिक्स खाते हैं। खाना पीना खा लिया, खाना पीना खाने के बाद आप खाते हैं लड्डू। ले आओ लड्डू, रक्षाबंधन की याद आ रही है। समीर कहाँ रहती है?